लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है जी चकवाल का अलाइड पार्क। नन्हे मुन्ने और छोटे छोटे बच्चों जो हैं वो कराटे की जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखा है कि माशाल्लाह कभी किक्के मार रहे हैं और कभी जनाब ये पंच मार रहे हैं और कभी ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये हमारे जो बच्चे कह रहे हैं ये क्योंकिशन कान कर रहे हैं और मैं क्योंकिशन कान का ब्लैक बेल्ट 4 डान हूं। किक्स जरा दिखाएं जरा प्लीज। ऐसे गुड, माशाल्लाह देखें जी ये जवान। तो हमारे कैमरामैन को नहीं उड़ाना भाई, कैमरामैन आपका दुश्मन ही, आपकी बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू टन की तरफ से मैं हूँ राजा तनवीर हैदर। नाज़रीन, ये जो डिजिटल दौर जा रहा है इसमें हर घर के अंदर मोबाइल है और छोटे छोटे बच्चों के भी हाथ में मोबाइल होता है, वह घरों में गेमों में ही मसरूफ रहते हैं। माएँ जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल जो है वो पकड़ा देती हैं, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है जी चकवाल का अलाइड पार्क। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं के नन्हे मुन्ने और छोटे छोटे बच्चों जो हैं वो कराटे की जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये अपने आप को यहाँ पे बड़ा फिट महसूस करते हैं। हमने देखा है कि माशाल्लाह कभी किक्के मार रहे हैं और कभी जनाब ये पंच मार रहे हैं और कभी ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। बड़ा बुलंद हौसला इनका और मैं बड़ा यहाँ पे आके खुश हुआ हूँ कि इस डिजिटल दौर में भी हमारे बच्चों जो हैं असल जिस चीज़ की उन्हें होनी चाहिए यहाँ पे ग्राउंड्स में आके उन्हें ग्राउंड्स को आबाद करना चाहिए और फिज़िकल फिटनेस के मुताबिक वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनसे चल कर जो है वो मुलाकात भी करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और पूछे उनके बच्चों से भी और उनके इंस्ट्रक्टर से भी। आएँ हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अब्दुल मुईद है। अब्दुल मुईद, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे कराटे सीखने आया हूँ। अच्छा, लोगों को मारने के लिए? नहीं, सिर्फ कराटे करने के लिए, हम फाइट्स होती हैं ऐसे, कराटे सीखने आया हूँ। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कराटे सीखते हुए? 3-4 वीक्स हो गए। अच्छा, ये बताएं ये जो मोबाइल पे पबजी वगैरह गेम्स होती हैं जी, वो आप खेलते हो या नहीं खेलते? No, नहीं, मैं आई डोंट प्ले देम। रियली? यस। सर ट्रू? यस। ओह दैट्स वेरी नाइस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अच्छा, ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं इनको क्या कहते हैं? कराटे सूट। ओह, कराटे सूट कहते हैं। अच्छा, ये पहन के आप किसी को भी पंच मार सकते हैं? मार सकते हैं। देखा नाज़रीन, इनसे डरना चाहिए, ये हमारे छोटे छोटे माशाल्लाह बदमाश तैयार हो रहे हैं। अच्छा, हमें ज़रा पंच करके दिखाओ कैसे पंच करोगे, उधर सामने कैमरे की तरफ। शाबाश, सही जोर से। ये तो भाई पेट फाड़ देगा हमारा जो औलाद बने हुए। अच्छा, थोड़ी सी किक हमें मार के दिखाओ। वाओ, वेल डन। क्या नाम है आपका? जकी अहमद। जकी अहमद, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? कराटे खेलने के लिए। अच्छा, मैंने ये देखा है इन्होंने व्हाइट बेल्ट पहनी हुई है और आपने रेड पहनी हुई है, इसका क्या मतलब है? ये सेकंड बेल्ट है, ये मुझे व्हाइट बेल्ट के 20 दिनों बाद। वाओ वेरी, इसका मतलब है आप इनसे सीनियर हैं। यस जी। इस वक्त हमारे साथ सिटी स्कूल के प्रिंसिपल अकील अब्बास मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं कराटे की, उस बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। इंग्लिश नेशंस स्पेशली बिल गेट्स ने कहा है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फिज़िकल हेल्थ और आजकल के दौर में ये स्किल के तौर पर जानी जाती है कि आपको सेल्फ डिफेंस अपना करना आता हो, चाहे वो फिज़िकल है चाहे वो मेंटल है। आजकल बच्चों की जैसे हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं कि वो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम ज़्यादा उनका हो रहा होता है, बच्चे घर में स्टडीज़ नहीं कर रहे, एग्रेसिव किस्म का उनका बिहेवियर होता जा रहा है, जंक फूड हो रहा है साथ। तो ये एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी स्टार्ट की है रिजवान साहब ने, हम अप्रिशिएट करते हैं, मेरे अपने बच्चे आते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक गुड़िया मौजूद है, इससे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल बेटा आपका? मैं ठीक। बेटा आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? मैं कराटे सीखने आई हूं। ओह वेरी गुड, माशाल्लाह जी। और आपको कितने दिन हो गए? 20 डेज। वेरी गुड। तो रोजाना यहाँ पे शाम को आते हैं आप? जी। और ओपनली यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते हैं? जी। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, जिस जब से आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको कुछ अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई है? यस। कैसे? अगर आपको कोई बच्चा तंग करेगा आप उसे क्या करेंगे? पंच मारूंगी, केक्स। हाँ, ये देखा है, ये यहाँ पे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है कि हमारे जो बच्चे और बच्ची हैं उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ एक छोटा क्यूट सा बच्चा और मौजूद है, इससे भी जानते हैं कि ये यहाँ पे खुद आया या घर वालों ने ज़बरदस्ती छोड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहद हसन। माशाल्लाह मोहम्मद अहद हसन, आप यहाँ पे कितने दिन से जो है कराटे सीख रहे हैं?
काफी दिन हो गया मैं यहाँ पर कराटे सीख रहा हूँ और मुझे कराटे सीखना बहुत पसंद है। अच्छा, सबसे पहले ये पता है ये आपका दांत किधर गया? ये कराटे के दौरान तो नहीं टूटा? नहीं, ये जो है ना कुछ दिन पहले ही टूट गया था। वो कैसे? वो कुछ दिनों में ना वो मेरे वो चूहा तो नहीं आया था, वो रैबिट जिसे कहते हैं, रैट रैट जी, रैट चूहा है, वो ले गया था। ओए माय गॉड, चले कोई बात नहीं, अब तो आपने माशाल्लाह कराटे सीख रहे हैं, तो अब आप उससे लड़ाई करेंगे ना? जी जरूर। अगर वो आया तो आप उसको मारना है आपने? ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे पापा जबरदस्ती छोड़ के जाते हैं? नहीं, मैं खुद से आता हूँ। अच्छा, खुद से आते हैं। चले हमें थोड़ा सा जो है ना आप हमारे नाजरीन को दिखाएं पंचीज और जरा जो है वो किक्स जरा दिखाएं जरा प्लीज। ऐसे गुड, माशाल्लाह देखें जी, ये जवान तो हमारे कैमरामैन को नहीं उड़ाना भाई, कैमरामैन आपका दुश्मनी आपकी बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आगे चलते हैं नाजरीन। देखा माशाल्लाह कितना जोश है इन बच्चों में और किस ज़बरदस्त अंदाज से जो है फाइट का आगे जवाब देंगे, इंशाल्लाह दिफा करेंगे अपना। शाबाश माशाल्लाह जी। हमारे साथ इस वक्त जो है इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये जो बच्चे इनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं ये उनको क्या क्या गेम सिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर अपना नाम बताइएगा। रिजवान निसार नाम है मेरा और बेसिकली मैं सिटी स्कूल में टीचर भी हूँ और अभी हमने एक समर कैंप लगाया था स्पोर्ट्स के हवाले से, जिसमें हमने बच्चों को डिफरेंट गेम्स प्रोवाइड की, जिसमें कराटे, जिमनास्टिक, देन क्रिकेट, फुटबॉल और फ्लेक्सिबिलिटी, नंचक स्टिक, बहुत सारी गेम्स हमने की और इसमें हम 4-5 टीचर की टीम है हमारी और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे जो बच्चे कर रहे हैं ये क्योकुशिन कान कर रहे हैं और मैं क्योकुशिन कान का ब्लैक बेल्ट 4 डान हूँ और नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन भी हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताएं तकरीबन कितने बच्चे जो आपके पास यहाँ पे जो सीखने के लिए आते हैं रोजाना? अभी राउंड अबाउट हमारे पास 55-60 किड्स हैं, जिसमें क्रिकेट के बच्चे हैं, फुटबॉल के हैं, कराटे के हैं, जिमनास्टिक के हैं। इनमें से हमारे पास जो एज है जी वो तकरीबन 2.5 साल से बच्चे आ रहे हैं, 2 साल से बच्चे आ रहे हैं और राउंड अबाउट हम लेते हैं 12-14 ईयर तक बच्चा जी। इस वक्त हमारे साथ पंजाब पुलिस के जो है इंस्पेक्टर मसरूर अली अकबर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पे कराटे की ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके बारे में वो क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर इसके बारे में बताएं, ये जो बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग, बहुत अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी है मेरे ख्याल में, चकवाल जैसी जगह पे। फिर आप देख रहे हैं कि एक पार्क है जो कि एक पब्लिक पार्क है, इसमें महदूद वसाइल हैं इनके पास जो टीम यहाँ पे करवा रही है, लेकिन अपने महदूद वसाइल में बहुत अच्छा कोर्स करवा रहे हैं ये लोग, बच्चों को ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिज़िकली बच्चों को एक्टिव रखना आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी रूटीन होती है बच्चों की, स्कूल आना, उसके बाद होमवर्क, फिर सिपारा, उस सारे में फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम बच्चों को नहीं मिलता। तो वो फिज़िकल एक्टिविटी आप घर में भी नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ख़ास इंस्ट्रक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज़ में उसको अपनी ज़ेर निगरानी एक अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चों की डेवलपमेंट में बड़ा अच्छा पॉजिटिव किरदार है इसका। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट राजा तनवीर हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।